परवेज इलाही साहब ने वहाँ पे मुस्लिम लीग हाउस में जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ऐलान किया है। जब तारा बशीर चीमे की कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी उस वक्त घर बदी गई थी या तारा बशीर चीमा टीवी पूरा नहीं होता या ताडा रिमोट तारा बशीर चीमा नहीं फड़ता या तारा बशीर चीमा टीवी चाहे तो ट्यूबा सड़ जाए या तारा बशीर चीमे ने टीवी फाड़ जाता है। साहब क्या ऐसे ही लगे हुए हैं वो देखे उन्होंने गुस्सा चढ़ा क्या गुस्सा करने वाली बात है। जो परवेज इलाही ने जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया बाकायदा उसमें फैसला किया आपको हटाने का, बल्कि तारा बशीर चीमा को भी हटा दिया उन्होंने, तो वो कौन होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे क्या मेरा मजदूर हो गया ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लड़ाई बीवी के साथ छोटे भाई की और तलाक बड़ा भाई दे है। भाई जिसकी बीवी है वो तलाक दे दे। इसी तरह ये पार्टी मेरी है जिनेश साहब, ये जो काफी है ये अल्लाह के फजल से मैंने पार्टी बनाई थी जी जी, तो ये इसको अगर इसके इसका ओहदे से कोई हटाएगा तो मैं इजलास बुला के हटा दूंगा। उन्होंने जो इजलास बुलाया वो अपनी पार्टी का कोई और नाम रख ले या वो जम हो रहे थे तरीके इंसाफ में हो जाए जम, जम हो के तो अपने गम खत्म कर ले। अच्छा ये जो कायदे आज़म मुस्लिम लीग है ये जैसे मुस्लिम लीग काफ कहते हैं ये हमारी जमात है जनाब साहब, इसका लेना देना झुकना धरना वरना निकलना सारा मेरे जिम्मे है। ये मैं जब इजलास बुलाऊंगा तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या ऐलान होता है और क्या डिसीजन होते हैं, इसलिए आपकी मेहरबानी आप ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तबसरे ना करें जिसका कोई वजूद ही नहीं, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इसका मतलब अफवाह ही है ये चौरी साहब? ये अफवाह कह लो या बेवकूफी कह लो, बात ये देखे जी जी शिनाख्ती कार्ड गौरी साहब आप बनवाने जाएंगे जब जी जी तो आपकी जगह पे जुल्फी तो नहीं फोटो खिंचाएगा ना? मेरा वैसे बना हुआ है चौरी साहब। वो उसके ऊपर फोटो किसकी है? जी हाँ जी मेरी जी। आ गई सी फोटो? कितना कितना बाद आ गई? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਇਨਕੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਚ ਕੀਆ ਤਾਂ ਸਾਥ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਇਹਦੇ ਬੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਸੰਮਮ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਾਫਲੀ ਕਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਪੇ ਹੋਗਾ। ਕਾਫਲੀ ਕੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਕੋਈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੈਸੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਸਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੋ ਆਪਕੋ ਹਟਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਕੀ ਜਗ੍ਹਾ चौधरी वजाहत हुसैन साहब को सदर बना दिया। वो छड़ दियो थे सारे चौरी बन के फिरन रहे हैं। साहब आपके भाई है वो क्या भरा रहे? ठीक है जनाब साहब, दुनिया किधरे किधरे पहुंच गई है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट पुटो दे विच चौरी निकल आंदा है। हुण केड़े चौरी रह गए? सारे चौरी ने हुण ये देखे बात ये है कि ये जो गौरी साहब हैं ये भी चौधरी हैं, पता है आपको? अरे गौरी साहब भी चोरी हो सकते हैं, ये कौन सी बात है? इधर लगते है कि चोरी ने ना जमीन पे कब्जा हो गया। देखे जनाब साहब ये जो वजह साहब बन जाए चोरी सदर, ये वही बात हो गई ना, तो अन्ना पवन बंडे रेहड़ियां पहुंचो अपने सदर आपस ही बनी जान दे रहे सदर। भाई मैं तो चलो जब बना था सदर तो पार्टी मैंने बनाई थी, जब परवेज इलाही साहब का उसमें कोई रोल नहीं था। अरे वो नाल बैठे सर मगर मैंने तो बना दिया था पार्टी, में हाथ नहीं लान देता इन्हें, मैं सारी मैं आप बनाऊंगा। अच्छा चौरी साहब ये सर आप बताए मेहरबानी कि ये आपकी पार्टी किस साल में कायम हुई थी काफली? बस कंसन जी बन गई थी सन तो मुझे याद नहीं, ये याद है
खरबूजियों का मौसम थी उधर और उस वक्त बड़े मीठे खरबूजों का मौसम था चौधरियों के लिए शायद मीठे अच्छा जो खरबूजियों का मौसम थी और इतना भी मुझे याद है जो बढ़न डे काफली परवेज मुशरफ साहब सिर से गलौते और काफली बनाने के लिए बुनियाद डालने के लिए तारक अजीज साहब जो है वो इनको ईंटें उठा उठा के दे रहे थे नीलाम घर वाले ने नहीं चलो आप जानते हैं कौन से घर वाले हैं बड़े घर वाले मैं जानता कहीं और तारक अजीज मैं जो टीवी आते तारक अजीज साहब उनको जानता हाँ वो भी काफली के थे सियासत किस तरफ जा रही है पीछे जाके वेला किधर जा रही है को पता चल रहा है तेरी सियासत और किधर जा रही है मेरी सियासत किधर और जा रही है गौरी साहब की सियासत किधर और जा रही है अजकल सियासत आप उतरी हुई है अब तो आप बड़ी हुई है यहाँ पे देखे ना जरा क्या क्या हालत हो गई है पार्टी किसी की है फैसले कोई और सुना रहा है बनाई किसी और ने है खत्म उसे कोई और करना चाह रहा है वो गदर बड़ी याद आती है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का मुझे सोचता कोई और है देखो ना जरा कि पार्टी किसी और दी है फैसले उसे कोई और करने दे मैं यहाँ जनाब साहब ये भी वजाहत करना चाहता हूँ कि जो मर्जी कर ले जितना मर्जी ये लोग ढील लगा रहे ये जो काफली का इंशाल्लाह इसकी सदारत रहेगी चौधरियों के घर भाई ये 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 जो है ना ये जो लड़ाने वाले हैं हमें आपस में ये देर में रखेंगे हम लड़ने वाले नहीं है नहीं जो सब आप सीधी सीधी मरूसी सियासत करना चाह रहे हैं ना खुल के बात करें मरूसी तो बाकी सारे की कर रहे मरूसी हो रही है हर बात है देखे भाई ये आप इसे मरूसी का रंग दे दें या ये कह लें कि पूरा खानदान खिदमत कर रहे हैं सियासत की ये मरूसी वाली बात नहीं जनाब जितने यहाँ हालात खराब है यहाँ पे सबको मिलके पूरी पूरी फैमिली मिलके तो जोर लगा रही है मैं तो नून लीग वालों को भी नहीं समझता कि मरूसी ज्यादा कर रही है ये बड़ी बात है कि उन्होंने आगे अपने बच्चों को भी कहा कि आवाम की खिदमत के लिए मैंने खुद अपने बच्चों को कहा कि